हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं बनाने जा रही हूं सिंघाड़े की सब्जी। तो सिंघाड़ा तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और देखा ही होगा, इसे हम चेस्टनट भी कहते हैं और इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। और ये अक्टूबर के महीने के बाद आना शुरू हो जाता है, तो मोस्टली लोग इसे उबाल के उसकी चाट बना के खाना बहुत पसंद करते हैं। और आज मैं सिंघाड़े की एक बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली टेस्टी सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो इसे आप भी बनाइए और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सिंघाड़े की इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम सिंघाड़े ले लिए हैं और सिंघाड़ों को आप बहुत अच्छे से धो जरूर लीजिएगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और मैंने इनको धो के साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले जो ये सिंघाड़े हैं, ये कच्चे सिंघाड़े हैं, इन्हें मैंने बॉयल नहीं किया है। तो हम अपने सारे जो सिंघाड़े हैं उनको छील के रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हम इनके ऊपर का छिलका हटा देंगे। तो देखिए, ये छील के एकदम रेडी हो गया है। और इसी तरीके से सारे सिंघाड़े में छील के पहले रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सभी सिंघाड़ों को छील के रेडी कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसे मैंने पीस के उनका पेस्ट बना लिया है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने पीस के उनका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैं खट्टे वाले टमाटर यूज़ कर रही हूँ, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अगर आप ये वाले टमाटर ना डालना चाहें तो आप यहाँ पे लाल वाले टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पे तीन हरी मिर्चें ली हैं और ये 4 से 5 पीस लहसुन की कलियाँ के हैं। और एक बड़ा पीस मैंने यहाँ पे अदरक का लिया है। इन तीनों को पीस के मैं इनका भी पेस्ट बना के रेडी कर लेती हूँ। और उसके साथ ही हम थोड़े से पिसे हुए मसाले भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसका हम गाढ़ा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। और इन मसालों को हम अलग एक साइड रख देंगे। सिंघाड़े की सब्जी को मैं कुकर में बना रही हूँ, इसमें ये बहुत ही टेस्टी भी बनती है। और मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने कुकर में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर सकती हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देती हूँ और उसके साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हींग। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जीरा काफ़ी अच्छे से चटक गया है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती हूँ और इसको भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो अच्छे से भून गया है। और ये देखिए, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब इस स्टेज पे प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे, ताकि जो हमारी सब्जी है उसमें प्याज का कच्चेपन का स्वाद नहीं आए। अगर आप इस सब्जी में प्याज और टमाटर दोनों को पीस के डालेंगी तो इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छी ग्रेवी भी बनती है और सब्जी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही परफेक्ट भी रहती है। और अगर आप इसमें पीस करके डालेंगी तो वो सब्जी में अच्छा स्वाद नहीं देगी। तो आप इसमें प्याज और टमाटर को पीस के ही डालिएगा। पहले मैं अपने प्याज को अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तो देखिए, जो प्याज है उसने तेल को छोड़ना शुरू कर दिया है और जो प्याज है उसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो हमारा प्याज एकदम रेडी हो गया है और अब मैं इसमें जो मसाले का मैंने पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसे डाल दूँगी। और अब मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पर ही हम अपने मसालों को धीरे धीरे लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए, जो मैंने मसाले डाले थे उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, देखिए। और आपको भी मसाले तब तक भूनने हैं जब तक कि वो ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। और अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने टमाटर का पेस्ट डाल देंगे।
और मैं अब गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लेती हूँ। तो देखिए जो हमारे टमाटर हैं वो भी अब काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें अपने छिले हुए सिंघाड़े डाल देती हूँ। मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और उसके बाद हम इसको लगभग एक मिनट के लिए इसी तरीके से कवर करेंगे। अभी बंद हम नहीं करेंगे इसको और एक मिनट के लिए हम पहले ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है इस टाइम। एक मिनट हो गया है तो अब हम अपने सिंगाड़ों को चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल देती हूँ। इससे हमारी जो सब्जी है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और अगर आप बहुत ज़्यादा रसीली वाली सब्जी पसंद करती हैं तो लगभग 1.5 कप पानी का यूज़ कर लीजिएगा। तो हम सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम कुकर की लेड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक हम इस सब्जी को पका लेते हैं। तो दोस्तों मेरी सब्जी है उसका प्रेशर निकल गया है और अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी सब्जी है वो एकदम बन के रेडी हो गई है और ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से बनी है और बहुत ज़्यादा हमें रसीली नहीं चाहिए थी इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 कप ही पानी डाला है और ये देखिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब मैं उसके बाद इसमें थोड़ा सा कटा हरा धनिया डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच होममेड गरम मसाला डाल देती हूँ। ये होममेड है इसीलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ और अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए हम फिर से अपनी सब्जी को ढक देते हैं ताकि हमारी सब्जी में गरम मसाला और हरा धनिया दोनों का ही फ्लेवर आ जाए। तो दोस्तों मेरी सिंघाड़े की सब्जी बनके एकदम रेडी है और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके बाय बाय, टेक केयर।